यातायात प्रभारी रणवीर यादव की दो पहिया वाहनों पर कार्रवाई, 46 के काटे चालान, लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। यातायात विभाग द्वारा आज लगभग आधा सैकड़ा बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। यातायात विभाग द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पॉइंट लगाए और 3 सवार बैठाल कर बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि उन्हें SP राजेश सिंह चंदेल से शहर में 3 सवारी बैठाकर घूमने वाले मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई के निर्देश मिले थे। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस ने माधव चौक, झांसी तिराहा, पोहरी चौराहा, MM हॉस्पिटल सहित शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पॉइंट लगाकर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कई बाइक चालक 3 सवारी बैठाकर घूमते हुए मिले, जिन्हें जब्त कर यातायात थाने में ले जाया गया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि इस समय आचार संहिता लागू है और जो लोग प्रचार प्रसार के लिए एक ही बाइक पर ज्यादातर 3 लोग सवार होकर घूम रहे हैं, जिन पर भी आगामी समय में भी इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो दो पहिया वाहनों पे 3 सवारी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है और कितनी क्या वाहनों को पकड़ा गया है? आज जो शहर में दो पहिया वाहन पर 3 सवारी जो लोग घूम रहे हैं शहर में, इससे क्या है कि शहर की एक छवि को खराब किया जाता है इनके द्वारा। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अपन आए दिन देखते हैं कि कहीं लूट डकैती चोरी में ये तीन जो लोग घूम रहे हैं, पर थोड़ा सा पाबंदी लगानी है। हमारा सबसे श्रीमान का जो SP महोदय का निर्देश है कि 3 सवारी शहर में नहीं दिखना चाहिए, इसी के आदेश के उसमें पालन में आज हम मेरे द्वारा 3 सवारियों को जो बैठे चलन पर कार्रवाई की गई है। लगभग 40-45 से अभी मोटरसाइकिल हमने जब्त की है 3 सवारी वाली, और निरंतर ये कार्रवाई करेंगे क्योंकि एक शहर की यातायात व्यवस्था भी बना के रखना है और लोगों में सख्त मैसेज देना है कि शहर में अगर चलना है दो पहिए वाहन पर 3 सवारी आप नहीं चल सकेंगे। इसके बाद अगर ये मैसेज आपके माध्यम से सभी तक पहुंचेगा, मेरा ये मानना है, इसके बाद अगर फिर से ये अगर ये 3 सवारी शहर में घूमते हैं तो मैं इनको जब्त करके न्यायालय की कार्रवाई करूंगा, जो बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, और अधिक से अधिक जुर्माना जितना भी हो सकता है उनको कराने का पूरा प्रयास करूँगा और अपने शहर में एक अच्छी यातायात व्यवस्था बनाने का प्रयास करूँगा। सर, अभी जो वाहन पकड़े हुए हैं, क्या अभी उनको कोई एक मौका देके छोड़ दिया जाएगा या फिर किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? नहीं, अभी मौका नहीं दे रहे, अभी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और उल्लंघन तो इन्हें किया ही है तो चालानी कार्रवाई करके ही छोड़ दिया जाएगा।